Welcome once again to our channel, and today in this video we are going to talk about the circular flow of economy. So guys, the circular flow of economy is two types. One is your the simple economy, that we call the simple economy, and second one is your the two sector economy with financial market. So first of all, we talk about the simple economy, that means the circular flow of economy in two sector. इसको हम ऐसे लिखेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर, जिसे हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिंपल इकोनॉमी. आई थिंक इधर तक. हाँ, इसको पूरा लिख लेते हैं सिंपल इकोनॉमी. Now guys, what we have to do, I am just going to two things. First is your household, और दूसरा हमारा होगा second one is your firm. ठीक है, तो पहला क्या हो गया हमारा, household हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, firm हो जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में सीखा था रियल फ्लो और मनी फ्लो, तो दो चीजें हम लोगों ने सीखी थी. तो उसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो में हमने क्या देखा था कि अगर हम रियल फ्लो की बात करते हैं तो रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो रियल फ्लो में एक्चुअल में क्या होता है कि हाउस होल्ड गेट्स देयर फैक्टर सर्विसेज. तो जो हाउस होल्ड है वो क्या दे रहा है आपको, फर्म को फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, तो हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड कराई फर्म को, हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स, एंड इन रिटर्न फर्म क्या करेगा, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, इट सप्लाइज द फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म्स, एंड द फर्म्स हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड. यानी कि हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म. हाउस होल्ड जो है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और फर्म क्या कर रही है, उन फैक्टर सर्विसेज को हायर कर रही है. किससे, हाउस होल्ड से हायर कर रही है. फर्म इज हायरिंग द हाउस होल्ड, तभी तो उसके पास वो चीज़ पहुंच रही है. दूसरा क्या है कि बदले में जो फर्म है, ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज मिल गई तो फर्म उसे क्या प्रोवाइड कराएगी, हाउस होल्ड को. फर्म इज प्रोवाइडिंग द, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ने फर्म के लिए काम किया है, अपनी सर्विसेज दी है, तो फर्म उसे बदले में क्या देगी, फैक्टर पेमेंट. तो फर्म इज प्रोवाइडिंग द फैक्टर पेमेंट. एंड नाउ वन मोर थिंग, दैट द फैक्टर पेमेंट इज गिवन बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड, इट इज अ फैक्टर इनकम. ठीक है, जो फर्म अब बदले में, जैसे हाउस होल्ड ने काम किया फर्म के लिए, क्या करना, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, अब फर्म क्या कर रही है, हाउस होल्ड को पेमेंट दे रही है. ठीक है, ये चीज हो गई. अब फर्म क्या करेगा उस पेमेंट का, फर्म भी तो कुछ करेगा पेमेंट का. यस, फर्म क्या करेगा, उस पेमेंट को खर्च करेगा. ठीक है, फर्म जो है उस पेमेंट को खर्च करेगा, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर. फर्म ने उस पेमेंट को खर्च किया, यानी कि फर्म को पैसा दिया, तो बदले में इन रिटर्न फर्म इज गिविंग देम द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि जो रियल फ्लो और मनी फ्लो का हमने पहले जो प्रोसेस पढ़ा था उसी को ही इसमें इंक्लूड किया गया है. बस इसमें क्या है, रियल फ्लो में आपका मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मनी फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट था. और अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर इन अ सिंपल इकोनॉमी, यानी कि सिंपल की बात करें, इसका फाइनेंशियल हम लोग नहीं इंक्लूड है, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल मार्केट. तो ये तो हमारा क्या हो गया है, आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी. अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, वो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि डज देयर इज एनी सेविंग इन दिस इकोनॉमी, कि सिंपल इकोनॉमी में कोई सेविंग है, तो यहाँ पे इंटायर प्रोसेस में कहीं कोई सेविंग की चीज आ रही है, सेविंग की कोई चीज आ रही है, नहीं आ रही. ठीक है, तो ये तो बात हमारी हो गई सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की इन
टू सेक्टर जो कि हमारा किसकी बात हो रही है, सिंपल इकोनॉमी की बात हो रही है। अब आगे हम अगर बात करेंगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट, उसकी हम लोग आगे बात करते हैं। सो गाइस नाउ हम लोग अब आगे बात करते हैं अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट। एज पर जबकि हमने इससे पहले का पढ़ा था कि हमारे दो ही सेक्टर थे, जिसमें था एक हमारा वन इज योर हाउस होल्ड एंड सेकेंड इज अ फर्म। अब इसमें एक और सेक्टर इंक्लूड होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट हो गया, या इसे हम लोग एक और नाम से भी कह सकते हैं बैंक। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब हमें अभी फिलहाल हम इसको फाइनेंशियल मार्केट को भूल जाते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं। फर्स्टली वी आर इग्नोरिंग द फाइनेंशियल मार्केट। सपोज सबसे पहली चीज क्या हो रही है, हमारा हाउस होल्ड इज प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड इन रिटर्न फर्म इज गिविंग द फैक्टर पेमेंट। फर्म क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट दे रही है। अब उसके बदले में हाउस होल्ड क्या करेगा, भाई सेम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो गया हमारा, फर्म हाउस होल्ड इज डूइंग द कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द फर्म एंड इन रिटर्न फर्म इज प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। अब यहाँ पे पिछले जो मैंने सिंपल इकोनॉमी की बात करी थी, जिसमें सिंपल इकोनॉमी थी, कोई और फाइनेंशियल मार्केट नहीं था, तो उसमें इंटायर इनकम आपकी खर्च हो रही थी, कोई भी सेविंग नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउस होल्ड जब फाइनेंशियल मार्केट आता है तो हम हाउस होल्ड जो होता है वो अपनी पूरे सेविंग जो है खर्च नहीं करता है, तो इट स्टार्ट्स द सेविंग। अब वो सेविंग कहाँ जाएगा आपका, या तो कहीं फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगा या बैंकिंग बैंक में जाके सेव कर देगा अपने अकाउंट में। अब सेम प्रोसेस ये होता है कि फर्म जो है वो क्या करेगी, आपका प्रॉफिट वो भी क्या करेगी, सेव करेगी। ठीक है, पहली चीज तो सेविंग हो गई, और दूसरा जब उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो इससे क्या करेगी, बैंक से बॉरो करेगी। शॉर्टेज ऑफ जब कभी भी इनकम होती है तो फर्म क्या करती है, बॉरोइंग करती है। तो वो पैसा किससे बॉरो हो जाएगा, हमारा बैंक से बॉरो हो जाएगा। वो किसके थ्रू होगी, हमारी फर्म करेगी बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये तो बात हमारी हो गई सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी इन टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट। तो वन मोर थिंग इज देयर कि जो हमारे सिलेबस में है फाइनेंशियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ये हमारा जो सिलेबस में वो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल इकोनॉमी में ही है, सिंपल इकोनॉमी तक है। लेकिन फॉर द फर्दर रीजंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ विद फाइनेंशियल मार्केट। अगर बाय द वे कहीं क्वेश्चन कुमार मेरा के पूछ लिया जाए, उससे रिलेटेड पूछ लिया जाए, तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, आपकी फोर सेक्टर भी होती है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करें, भले ही वो आपको आज नहीं तो आने वाले टाइम पीरियड में ज़रूर कहीं ना कहीं किसी क्लास या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे या फर्दर स्टडीज़ करोगे तो वो आपको चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो उसको हम लोग अभी से ही जान लें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, बस इसी का एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है हमारा टू सेक्टर के आगे थ्री सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी, उसके बारे में हम लोग अब आगे बात करते हैं कि वो किस तरीके से होती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी, लेट्स बी डिस्कस। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी थ्री सेक्टर, ठीक है, सो दिस इज योर अबाउट। तो फर्स्ट फिर से वही चीज करेंगे, व्हाट वी हैव टेकन, हाउस होल्ड, सेकेंड इज योर फर्म। अब हमने एक और चीज बढ़ाई थी, एक पिछले वीडियो में क्या देखा था हम लोगों ने, पिछले इसमें फाइनेंशियल मार्केट FM जिसे हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं, और थ्री सेक्टर में एक और हम लोगों का इंक्लूड होगा, दैट इज योर गवर्नमेंट। ठीक,
तो अभी तो हम गवर्नमेंट को बिल्कुल एकदम से साइड में रखेंगे, अपना जो प्रोसेस हम लोग पहले कर रहे थे वही चीज करते चले जाते हैं। जैसे कि हमारा हाउस होल्ड फैक्टर क्या देता है, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जो पिछले उसमें भी अभी थोड़ी देर पहले जो हमने चीजें सीखी थी टू सेक्टर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट, तो वो सारी चीजें फिर से वही दोहरा रहे हैं। तो फॉर्म इज गिविंग देयर द फैक्टर पेमेंट अब उसके बाद में कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड देन फॉर्म इज गिविंग द गुड्स एंड सर्विसेस। यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, सेविंग, यहां पे फॉर्म सेविंग एंड फॉर्म इज बॉरोइंग, ठीक है, ये हो गया। अब हाउस होल्ड जो है वो आपका अपनी फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को भी देता है, देता है कि नहीं देता, जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है व्हाट दे आर डूइंग, दे गिविंग देयर फैक्टर सर्विसेज, वो अपनी क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट को, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे फर्म को देता है हाउस होल्ड, वैसे ही कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी गवर्नमेंट को भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग देम द पेमेंट, गवर्नमेंट क्या दे रही है उनको बदले में, पेमेंट दे रही है किसको, हाउस होल्ड को। तो गवर्नमेंट जब हाउस होल्ड को पेमेंट देती है तो इन रिटर्न उसे क्या देना पड़ता है हाउस होल्ड को, टैक्सेस, ये तो देना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फर्म्स क्या करती है, ठीक है। अब जैसे कि फर्म्स ने क्या किया है, गवर्नमेंट को कोई गुड्स एंड सर्विसेज दी है, ठीक है, फर्म ने गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज दी है, तो उसके बदले में गवर्नमेंट इज गिविंग देम द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बदले में गवर्नमेंट फर्म को क्या दे रही है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, और जब उसे सर्विसेज मिल रही है, पेमेंट मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है, हाउस होल्ड से भी उसे बेनिफिट हो रहा है, गवर्नमेंट से भी हो रहा है, तो इन रिटर्न उसका जब प्रॉफिट होगा तो वो क्या पे करेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देगा, ठीक है। अब जब वो फर्म जो है गवर्नमेंट को टैक्सेस भी पे कर रही है, तो इन रिटर्न फर्म क्या करेगी, उसको क्या पे करेगी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज गिविंग देम द सब्सिडीज, गवर्नमेंट क्या देगी, सब्सिडीज देगी। तो ये क्या हो गया, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी हो गया आपका थ्री सेक्टर में। देखिए यहाँ तक का तो पूरा टू सेक्टर का है, जब गवर्नमेंट को जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट का रोल प्ले भी फर्म और हाउस होल्ड के साथ जोड़ लेंगे, और वन मोर थिंग, जो बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट है उसमें भी गवर्नमेंट की भी सेविंग होती है, हो गई गवर्नमेंट की सेविंग, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, दैट इज ऑल्सो बोरोइंग, वो भी पैसा क्या करेगी, बोरो करेगी, कहाँ से, बैंक से। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये पूरा आपका थ्री सेक्टर का हो गया। अब हम बात करते हैं फोर सेक्टर की, फोर सेक्टर में कुछ नहीं होता है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हुआ है हमारा, वैसे ही हमारा क्या इंक्लूड हो जाएगा, एक और यहाँ पे, अगर जैसे ये थ्री सेक्टर है, अगर हम फोर सेक्टर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ एक सेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारा कौन सा होगा, डेट इज योर फॉरेन सेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा एक सेक्टर नया इंक्लूड हो गया, डेट इज योर फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, तो फॉरेन सेक्टर में वही सेम प्रोसेस हो जाएगा कि हाउस होल्ड यहां से क्या करेगा, अपनी फैक्टर सर्विसेस, ठीक है, बदले में फॉरेन सेक्टर क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट, है ना, फैक्टर पेमेंट करेगा किसको, ये फैक्टर पेमेंट जो जाएगा हमारा हाउस होल्ड को जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा और क्या हो जाएगा, एक और चीज आ जाएगी हम लोगों की, वो क्या हो जाएगा, इसमें एक और चीज होती है हम लोगों की इंक्लूड, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, ठीक है,
पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ आ रही हो जा रही हो उसको भी इंक्लूड कर देंगे, तो यानी कि एक तरीके से पूरा ये मकड़ जाल हो जाएगा बड़ा सा। अब इसमें भी फॉर्म के साथ अगर हम इंक्लूड करते हैं ठीक है, तो एक तरफ क्या हो जाएगा पेमेंट फॉर इंपोर्ट हो जाएगा, तो उस तरफ से क्या हो जाएगा पेमेंट फॉर रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। तो यानी कि फर्म को क्या मिल रही है यहां से ये वाला रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, और उसके बदले में फर्म क्या कर रही है पेमेंट फॉर इंपोर्ट, ठीक है ये हो गया हमारा। अब वापस से हाउस होल्ड में आते हैं हम लोगों का, तो एक और चीज है पेमेंट फॉर इंपोर्ट, यानी कि हाउस होल्ड ने भी कोई चीज मांगी होगी ना, तो वो फैक्टर एक पेमेंट फॉर इंपोर्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, और इसमें नेट ट्रांसफर पेमेंट भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये पूरा आपका फोर सेक्टर इकोनॉमी हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। फिलहाल आपको जो ध्यान रखना है वो ऑब्वियस सी बात है आपको टू सेक्टर इकोनॉमी ध्यान रखना है, और यहीं पे हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। और वन मोर थिंग, अगला जो चैप्टर है उसकी वीडियोज जल्दी रिलीज हो जाएंगी, उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, और कमेंट्स ज़रूर करिए इसको देखने के बाद, और मुझे थोड़ा सा सजेशन और दीजिए और भी चीज़ों को, ताकि मैं नई नई चीज़ों को और इन्वॉल्व कर सकूँ आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।